श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एकादशी के बारे में। वैसे तो हम हर एकादशी का जो व्रत कथा होता है, जो विधि होता है, हम अलग अलग भी बताएंगे आपको वीडियो में, पर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे पूरे साल में कितनी एकादशी होती है, उसका महत्व क्या है और एक जनरल में विधि क्या होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आप सबको पता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। तो मैं आपको 26 एकादशियों के नाम के वर्णन के साथ उनकी जानकारी दूंगा अलग अलग वीडियो में। फिलहाल मैं आपको जितनी भी एकादशी हैं सबके नाम बताने वाले हैं और कौन से महीने में होता है और कौन से पक्ष में होता है। तो सबसे पहला है हम आपको जो बताने वाले हैं वो है कामदा एकादशी। ये चैत मास में होता है और शुक्ल पक्ष में होता है। फिर है वरुथिनी एकादशी, ये वैशाख मास में होता है और कृष्ण पक्ष में पड़ता है। उसके बाद आता है मोहिनी एकादशी, ये वैशाख में शुक्ल पक्ष में आएगा। फिर है अपरा एकादशी, अपरा ये ज्येष्ठ में आएगा और कृष्ण पक्ष में आता है। फिर निर्जला एकादशी जिसमें पानी भी नहीं पीते हैं, वो है ज्येष्ठ में और ये शुक्ल पक्ष में आता है। फिर है योगिनी एकादशी, ये अषाढ़ में होता है और कृष्ण पक्ष में होता है। फिर है देव शयनी एकादशी, इसका ही बहुत महत्व है, ये अषाढ़ में आएगा शुक्ल पक्ष में। फिर है कामिका एकादशी, ये श्रावण में आएगा कृष्ण पक्ष में। फिर है पुत्रदा एकादशी, ये भी श्रावण में आएगा और शुक्ल पक्ष में आएगा। फिर है अजा एकादशी, ये भाद्रपद में आता है कृष्ण पक्ष में। और फिर है परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद में, भाद्रपद इसको भादो कहते हैं, वो शुक्ल पक्ष में आएगा। फिर आपका इंदिरा एकादशी, ये आश्विन में आएगा, जैसे आसिन भी बोलते हैं ठेठ देहात साइड में, ये कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। फिर है पापंग कुंशा एकादशी, ये भी आपका आश्विन में ही पड़ेगा और शुक्ल पक्ष में पड़ता है। फिर है रमा एकादशी, रमा एकादशी कार्तिक में पड़ेगा, कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। फिर है देव प्रबोधनी एकादशी, ये भी कार्तिक में शुक्ल पक्ष में। फिर उत्पन्ना एकादशी, उत्पन्ना एकादशी माघ जिसको बोलते हैं, मार्गशीर्ष बोलते हैं, वो कृष्ण पक्ष में पड़ेगा। और फिर है मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी आपको मार्गशीर्ष में पड़ेगा, शुक्ल पक्ष में पड़ेगा। फिर है पुत्रदा एकादशी, ये भी पौष में पड़ेगा जिसको पूस बोलते हैं और ये शुक्ल पक्ष में पड़ेगा। सफला एकादशी शायद मैंने आपको बता दिया है कि पूस में पड़ेगा, कृष्ण पक्ष में। फिर है षट तिला एकादशी, ये माघ में पड़ेगा कृष्ण पक्ष में, और जया एकादशी भी पड़ेगा आपका माघ में शुक्ल पक्ष में। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में पड़ता है विजया एकादशी और फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में पड़ता है आमलकी एकादशी, आमल की एकादशी। फिर वापस चैत में आपका कृष्ण पक्ष में पड़ता है पाप मोचनी एकादशी। जब अधिक मास होता है जिसको मल मास वगैरह बोलते हैं, तो शुक्ल पक्ष में जो पड़ता है वो होता है पद्मिनी एकादशी और जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ता है वो होता है परमा एकादशी। अब हम आपको एक जनरल विधि बता देते हैं। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दसवीं के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दिन प्याज, मांस, मसूर की दाल, ये सब निषेध है, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन न करें, नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, और वो भी तोड़ना अच्छा नहीं रहता है। एक्चुअली में जो गिरा हुआ होता है वो बेस्ट होता है, आजकल गिरा हुआ नहीं मिल पाता है जल्दी, इसलिए मैंने आपको तोड़ने के लिए सलाह दी, पर एक्चुअली में तोड़ा नहीं जाता है। जो गिरा हुआ है वही पत्ते का सेवन करें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए। फिर स्नान करके मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जैसे गीता पाठ का श्रवण करें, वो मतलब बोलेंगे और आप सुनिए, क्योंकि बहुत लोग गीता नहीं पढ़ पाते संस्कृत की वजह से।
प्रभु के सामने प्रण कीजिए कि आज मैं चोर पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश मंत्र का जाप करें। राम कृष्ण नारायण आदि विष्णु के सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनवाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे स्मरण को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी लें तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्रीहरि की पूजा करके आप क्षमा मांग लीजिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ है नियादि कदापि ग्रहण न करें। दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को योग द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लीजिए। फलाहारी को गाजर सलगम गोभी पालक फुलगा साग इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला आम अंगूर बादाम पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। अभी इन जनरल इसका उद्देश्य क्या होता है? इन जनरल उद्देश्य यही होता है कि इस व्रत को पालन करने से आपको दिव्य फल की प्राप्ति होती है, यही इसका मेन उद्देश्य होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।